ये नहीं होगा यार, मुझसे वीडियो वीडियो गलत बन गई, लोगों को पसंद आई, सब्सक्राइब नहीं किया, फिर मैं तो कैमरा में भी सीधा नहीं देख पाता, मैं क्या वीडियो बनाऊंगा यार। अरे देखी जाएगी ना यार, तू वीडियो तो बना। 5 4 3 2 1 लेट्स डू इट। क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं क्षितिज गुगलानी और आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्फिडेंस होता क्या है। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है सेल्फ सफिशिएंसी की। हाँ, जो टास्क एट हैंड है वो मैं खुद कर सकता हूँ। वो जो फीलिंग आती है कि जो आंखों के सामने चीज है वो हम कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं शेयर करूंगा 7 टिप्स ऑन बिल्डिंग अप कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली। अगर आपने ये 7 टिप्स इंप्लाई करने शुरू कर दिए ना अपनी लाइफ में, तो आप एकदम से अपना कॉन्फिडेंस लेवल का चेंज देखेंगे। अगर आप कभी भी डाउन हैं, डिप्रेस्ड हैं, या फिर कॉन्फिडेंस का लैक लग रहा है आपको, तो आप इनमें से कोई भी यूज करिए और इंस्टेंट बूस्ट मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस का। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अपनी लाइफ से जितने भी नेगेटिव लोग, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको एलिमिनेट कर दो। लाइफ में बस पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए और जो नेगेटिव चीजें हैं उनको बिल्कुल कट आउट कर दो। अंदर से एक पॉजिटिविटी एमिट होनी चाहिए चारों तरफ। कई नेगेटिव चीजें, कई नेगेटिव लोग होते हैं जिनको आपको दूर दूर से नमस्ते, ओके, टाटा, बाय बाय करना चाहिए। रिलीज द नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, रिलीज द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ और दोबारा मुड़ के भी मत देखो, लेट इट गो। लाइफ में हमको कई लोग मिलेंगे जो एनर्जी सीकर्स होते हैं। दे जस्ट टेक 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 ऑल द एनर्जी एंड टाइम फ्रॉम यू विदाउट एडिंग एनी वैल्यू टू यू। एंड ऐसे लोग कई होते हैं एंड कई बारी डिफिकल्ट होता है इन चीज़ों को रोकना या फिर कट आउट करना लाइफ से, क्योंकि कई बारी वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, कई बारी वो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। But you have to identify the people and the things that are wasting your time and energy and cut them out of your life. ये चीज़ जब आप करोगे तो आप confidence का rise देखोगे कि हाँ, अपनी life को मैं खुद control में ले रहा हूँ और किसी और के हाथ में नहीं है। Second, अगर एकदम से confidence boost करना है ना, तो power poses. Second step, second tip is power poses. पावर poses. 2 मिनट शीशे के सामने, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ एक पावर पोज में। वंडर वुमेन पोज हो वो, चाहे चाहे गोरिल्ला पोज हो, किसी भी तरह करके एक डोमिनेंट पोज में खड़े हो जाओ। इन द बुक प्रेजेंस बाय एमी कडी, उसमें ये पावर poses के बारे में सब लिखा हुआ है। इन रीसेंट रिसर्च ने फाइंड किया कि 2 मिनट पावर पोज में खड़े होने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है और कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज होता है। टेस्टोस्टेरोन इज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस एंड कॉर्टिसोल रिलेटेड टू एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। तो 2 मिनट पावर पोज में खड़े होने से आपको जो बूस्ट मिलेगा ना कॉन्फिडेंस में, वो आप देखें। आज तक लोग सोचते थे कि एक्शन फॉलोज फीलिंग, मन किया तो ये करेंगे, मन किया तो वो करेंगे, बट मन कभी भी नहीं करता। अब जो रिसर्च ने फाइंड किया है कि एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, अगर हम सिर्फ उसी पे ध्यान दें तो फीलिंग फॉलो करेगी। वी कैन रेगुलेट फीलिंग बाय टेकिंग एक्शन। बस एक्शन चाहिए, एक्शन एक्शन एक्शन। जब एक्शन लोगे ना, फीलिंग खुद फॉलो करेगी, फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। 3rd step टू बिल्डिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली इज स्पीच। कैसे आप बोलते हो अपने आप को, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है आपके कॉन्फिडेंस लेवल में। अगर आप मुंह में बोल रहे हो तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो। एनन्सिएट, जो बोलना है खुल के बोलो, अच्छे से बोलो, मुंह खोल के बोलो। आपका बोलने का ढंग, बात करने का ढंग बहुत कुछ बताता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के बारे में। स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म, तेरे अंदर का ज्वाला फट के बाहर आन दे, क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा। डोंट स्टैमर कि ये वो अपने आप को ट्रेन करो कि जो बोले बस
माइंड में जो थॉट आया उसको बोलना है तो क्लियरली बोलना है, स्टैमर नहीं करना. आई नो कई सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे यू डोंट नो व्हाट टू से एंड यू आर लाइक क्या बोलू. इट्स बेटर टू कीप साइलेंट इन दोज सिचुएशंस. कभी कभार साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. फोर्थ स्टेप दोस्तों बिल्डिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस में इज आई कॉन्टैक्ट. ये जो कंचे है ना आंखों में, इनको यूज करना होता है. जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो. ये नहीं कि बात कर रहे हो ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, आगे पीछे. लॉक योर आईज इन देयर आईज व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन. दैट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस कि हाँ आप में इतना कॉन्फिडेंस है बंदे की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड अपनी आंखों में डाल के देखो आंखें. That will increase your self-worth and self-confidence. और जब अपनी आंखों में देखोगे ना तो आपको खुद भी पता लगेगा, damn कितनी सुंदर आंखें हैं यार मेरी. There is one more exercise that you can do, eye contact से related. कि जब आप public में हैं, किसी public place पे हैं, when someone looks at you, look back at them and don't कहीं और मत देखो जब तक वो कहीं और ना देख लेते. और creepy मत बनना. जस्ट उनको स्टेयर करो जब तक वो स्टेयर कर रहे हैं. और अगर ज़्यादा क्रीपी हो जाए तो जस्ट स्माइल एंड से कि आई थॉट यू वर अ फ्रेंड ऑफ माइन, यू रिजेंबल्ड समवन एल्स. बस तो आई कॉन्टैक्ट बूस्ट कॉन्फिडेंस ड्रामेटिकली. फिफ्थ स्टेप टू बिल्डिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ड्रेस विद पर्पस. जब आप कहीं बाहर जाते हो और अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपको खुद ही अच्छा लगता है कि हाँ मैं तो मस्त दिख रहा हूँ एकदम. पूरा कॉन्फिडेंस ऐसे एमिट होता है, बाहर निकलता है आपकी बॉडी से, क्योंकि आपने अच्छे कपड़े पहने हुए, आपको अच्छा लग रहा है अपने बारे में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो स्पेंड सम मनी हनी ऑन योर क्लोथ्स बेबी. अ वेल ड्रेस्ड पर्सन एक्ज्यूड्स कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग. छठा स्टेप बिल्डिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस इज, यू गेस्ड इट राइट, वर्कआउट. वर्कआउट हाँ, वर्कआउट ही बोलता रहता है हर वीडियो में तो. वर्कआउट 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 हाँ, वर्कआउट तो करना पड़ेगा. जब बॉडी मूव करोगे पसीना आएगा, जब देखेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, मसल बिल्ड हो रही है, तो ऐसा बूस्ट मिलता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जो कंपेयर नहीं कर सकते ड्रेस वेल होने से. वर्कआउट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होएगा. ऑफ कोर्स यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ, आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है, आपका सेल्फ इमेज सेल्फ वर्थ भी बढ़ जाती है. डजंट मैटर कितना आप वर्कआउट करते हो, बस करो. वॉक करने चले जाओ, रनिंग कर लो, योगा कर लो, 10-20 पुशअप भी मार लो. अगर आप 25 पुशअप मारोगे ना एज कम्पेयर टू पुशअप मारने से पहले और पुशअप मारने के बाद, कॉन्फिडेंस का लेवल देखना, फिर बताना मेरे को, कमेंट्स में लिख देना. वर्कआउट करने के बाद ऐसा लगता है दुनिया कब्जे में कर लेंगे हम, कॉन्कर कर लेंगे हम, ही तो सबसे बड़ी चीज है ना भैया. सातवां तरीका जिससे कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली बढ़ा सकते हो आप अपना, इज फीड योर ब्रेन. ये जो ऊपर का सर है ना, इसके अंदर का एक दिमाग है, उसको नॉलेज चाहिए बाबा, उसको नॉलेज मांगता है. बुक्स रीड करो. अगर बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो वीडियोस देख लो, जैसे ये वीडियो देख रहे हो, पॉडकास्ट सुनो या कुछ भी करो, या जो लोग कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट है एक्चुअली उनसे बात करो. बट नॉलेज लो, नॉलेज 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 इज पावर. इस दिमाग में बाहर दुनिया में जितनी भी ज्ञान है लेके अंदर डाल लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है वो. अंदर से सेल्फ वर्थ और सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाते हैं. ओके, बोनस पॉइंट, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मत मिस करना. आठवां पॉइंट इज स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स. कोई जो आपको दिख रहा है ना नीड में है, उसकी मदद करे आज के आज ही, एवरी डे किसी की किसी तरह मदद करे. ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, और लीडर्स को जब भी आप देखोगे ना, कोई भी लीडर में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती. सारे लीडर्स कॉन्फिडेंस से ठूसे भरे होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा होता है, आसपास के लोग भी कॉन्फिडेंस हो जाते हैं उनके बात उनसे बात करके.
एक जो लीडर होता है ना, अपने लेफ्ट में देखता है, अपने राइट में देखता है, और जिसको मदद चाहिए होती है उसको वो उठाता है और अपने साथ लेके चलता है। बी दैट लीडर, यू आर दैट लीडर। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा गुब्बारे बेचने आया छोटा सा भूखा रात को, और आपने उसको भगा दिया हो, उसको 10 रुपए दे दो, एक गुब्बारा ले लो, उड़ा देना चाहे, बट बेचारे का पेट भर जाएगा शायद रात को सोने से पहले। सबसे ज्यादा मतलबी चीज जो आपको कर सकते हो ना अपने लिए, वो है किसी और की मदद करना, आउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कुछ भी नहीं लेना तुमको वापसी में, बस एक सर्विस प्रोवाइड कर देनी है, किसी तरह मदद कर सकते हो तो करो, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। आपके पास जो चीजें ऑलरेडी है, कई लोगों के पास नहीं है वो। कई लोगों के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और अगला खाना भी नहीं पता कहाँ से आ सकता है। तो अगर आप उनके लिए वो फरिश्ता बन जाएंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा ठूस ठूस के भर जाएगा कि देख ही रहे आप मेरे को। This is how you build unshakable confidence. तो चलो दोस्तों, summarize करते हैं कि ये 8 points क्या थे। सबसे पहला, cut out negativity. Second, power poses. Speak with confidence. Confidence से बोलो. Fourth, eye contact मत भूलना. Fifth, dress to impress. Dress with purpose. Sixth, वर्कआउट, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। 7th, अपने ब्रेन को ज्ञान से भरो, ज्ञान से, ध्यान से, ज्ञान से भरो। 8th, किसी की मदद करो आज ही, ताकि वो भी कहे ये तो भैया बंदा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू एड करी हो, तो शेयर करें किसी के साथ जिसको ये हेल्पफुल रहे, और लाइक करना मत भूले, सब्सक्राइब करें, लाल बटन दब जाना चाहिए, पूरे दबा दो, कॉन्फिडेंस से दबा दो यार लाल बटन आज तो। रिमेंबर, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस लाइफ, दिस इज माय डिजाइन। नमस्ते।